हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी स्टडीज़। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फोकस करेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के ऊपर। अभी तक हमने देखा है कि इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, वो किस तरीके हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, बट वो एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। मतलब जो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं, हम उन फैक्टर्स को एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या अगर नुकसान हो रहा है तो उसको फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसका एक तरीका हम आज सीखेंगे, जिसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT इज़ बेसिकली एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। आप कोई नई कंपनी बना रहे हो, या ऑब्वियसली अगर आपकी ओल्ड कंपनी भी है उसमें आप अगर पॉलिसी चेंज करना चाहते हो तो आप SWOT एनालिसिस कर सकते हो। SWOT एनालिसिस आपको क्या बताया कि आपकी कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं उस मार्केट में जाने से, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं उस मार्केट में। ये आपको चार चीज़ें अपनी समझनी पड़ेंगी, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कवर हो जाएगा। जैसे कि जब हम स्ट्रेंथ बताएंगे या वीकनेस बताएंगे तो हम खुद की स्ट्रेंथ बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर टाटा मोटर्स का SWOT एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ बताऊँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि मारुति सुजुकी की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो मेरी हो सकता है कि एक कॉमन स्ट्रेंथ दोनों की हो, मारुति सुजुकी की भी स्ट्रेंथ हो, टाटा मोटर्स की भी स्ट्रेंथ हो, बट ज़रूरी नहीं है कि एक की स्ट्रेंथ दूसरी की वीकनेस हो। हो सकता है दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो जो कि दोनों का वीकनेस हो, हो सकता है एक कॉमन फैक्टर दोनों का स्ट्रेंथ हो सकता है। सो बेसिकली जो हम स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं वो एक इंटरनल एनालिसिस होते हैं, और जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये एक्सटर्नल हो सकती हैं। सो स्टार्टिंग विथ स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, की एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या हो सकती हैं, उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल सुपीरियरिटी। जब आप अपनी कंपनी बनाते हो, स्पेसिफिकली जब आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे होंगे, जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं 5G आ चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली 5G लॉन्च हो चुका है रिसेंटली, हर सिटी में नहीं हुआ बट 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो क्या बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो कि इंटरनेट एनेबल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो स्विच होंगे अब 5G में? ऑब्वियसली हो सकते हैं और उनको होना भी चाहिए, बट क्या सबके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की सुपीरियरिटी है? क्या वो उतनी जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे उस चीज़ को? जैसे कि हम अगर टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो BSNL ऐसी कंपनी जो कि बहुत पुरानी गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब बेसिकली हम पब्लिक सेक्टर कंपनी से बोल सकते हैं, बट उसके अंदर अभी भी 4G लॉन्च नहीं हुआ है। जहाँ पे इंडिया में अभी 5G आ चुका है वहाँ पे BSNL ने अभी 4G तक लॉन्च नहीं किया है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उनकी टेक्निकल सुपीरियरिटी उनकी वीकनेस है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। बट अगर हम जियो की बात करें, सो जियो वॉज द फर्स्ट जो कि 4G लेकर आया था, एयरटेल इज द फर्स्ट कंपनी जो कि 5G लॉन्च कर चुकी है, तो यहाँ पे उनकी टेक्निकल सुपीरियरिटी दिख रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईगर थे कि जैसे ही 5G आएगा मैं उस सिम को खरीद लूँगा, तो अब वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि उनके पास पहले वोडा आइडिया की सिम हो, उनके पास BSNL की सिम हो, उनके पास जियो की सिम हो, बट वो देखेंगे कि एयरटेल की इंटरनेट कितना अच्छा है, उनका क्या बैंडविड्थ आ रहा है, क्या वो उनका नेटवर्क मेरी सिटी में अवेलेबल है या नहीं। तो अगर वो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी मेरे को मिल रही है एक पर्टिकुलर कंपनी से, तो मैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। दिस कैन बी द वीकनेस और द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके कंपनी के पास कितना पैसा सरप्लस में है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो भी मैं SWOT एनालिसिस कर सकता हूँ। तो मैं क्या देखूँगा कि सबसे पहले उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। अगर कोई कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसका मेजर जो अर्निंग होगी वो तो उसकी EMI पे करने में चली जाएगी। जैसे कि हमने अभी रिसेंट ईयर में देख रहे हैं कि RBI जिस तरीके से रेट हाइक कर रहा है, तो ये कंपनीज के ऊपर एक तरीके से बर्डन आएगा, बिकॉज वो लोग बेसिकली डिमांड कम करना चाह रहे हैं। बट ये डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो महंगे बनाएंगे। अब अगर वो महंगे बनाएंगे तो जो डिमांड है उसकी वो किल हो जाएगी, और ना वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं तो उनको अब ज़्यादा EMI पे करनी पड़ेगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कंपनी के पास इक्विटी का पैसा ज़्यादा है या फिर डेट का पैसा ज़्यादा है। अगर कोई कंपनी रिलाई करती है डेट के ऊपर, जैसे कि हम अडानी की अगर बात करें तो अडानी के बहुत ज़्यादा डेट है, रिलायंस का हम देखें बहुत ज़्यादा डेट है, तो अगर कोई डेट फ्री कंपनीज होंगी तो वो बेस्ट होंगी मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। अगर उनके पास खुद के प्रमाइसेज हैं, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अगर वो उनके पास जीरो डेट है, तो हो सकता है कि वो लोग अपने फ्यूचर या फोकस कर सकते हैं कि हम किस तरीके से एक्सपैंड कर सकें, रेदर देन कि वो फोकस करें कि हम कैसे अपनी EMIs को पे ऑफ कर पाएं। जैसे कि हम अपने नॉर्मल घरों में भी ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने मान लीजिए हमारे ऊपर घर का गाड़ी का लोन चल रहा है बहुत टाइम से, तो हम नई चीज़ लेने के से पहले ऑब्वियसली सोचेंगे दो बार, बिकॉज ऑलरेडी हमारे ऊपर एक डेट का बर्डन है, तो हम कोई एक नया बर्डन लेना नहीं चाहते हैं।
नेक्स्ट इज स्किल्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़, आपके जो लेबर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं उनके पास। जैसे हर कंपनी के पास R&D का डिपार्टमेंट नहीं होता है, बट अगर आपकी कंपनी के पास R&D है तो क्या आपके पास स्किल्स लेबर्स इतने अच्छे हैं जो कि उसके अंदर कुछ एक नया अच्छा डेवलप्ड नया प्रोडक्ट डेवलप कर पाएँ। एक जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, तो क्या वो कैपेबिलिटी है आपके एम्प्लॉयज़ के पास या नहीं। नेक्स्ट गुडविल एंड इमेज ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी का लोगों के सामने कैसा नाम है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि हो सकता है जिसने पास में बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम किया हो जिसकी वजह से कस्टमर्स को नुकसान हुआ हो, जैसे कि हमने मैगी का साथ देखा था, मैगी में जैसे बीच में मैगी बैन हो गई थी तो उसमें बोला गया था कि मैगी में लेड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनकी ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो पेरेंट थे ऑब्वियसली सबको ये चीज़ पता थी कि मैगी कभी हेल्दी नहीं थी, बट जब से वो ऐड आ गया, जब वो बैन हो गया था तो उसकी इमेज और नीचे चली गई थी, तो लोगों को पता चल गया था, मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे इस चीज़ के लिए कि उनके अगर बच्चे अगर इस पर्टिकुलर मैगी को कंज्यूम करेंगे तो उनको लेड पॉइजनिंग हो सकती है इससे ज़्यादा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने मैगी बंद कर दी, तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर अपनी गुडविल अपनी इमेज को बचाने के लिए बहुत मार्केटिंग कैंपेन्स करे थे, बहुत पैसा खर्चा किया उस चीज़ के ऊपर, फिर ऑब्वियसली आज हम जानते हैं कि मार्केट मैगी का मार्केट वहीं पर है जैसे वो पहले था। नेक्स्ट इज द मार्केट लीडरशिप, जैसे हम मोनोपोली की बात करते हैं कि आपकी कंपनी मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करती है। जैसे हम ऑटोमोबाइल में बात करें तो मतलब अगर हम अपने कॉलोनी में अपने बाहर निकलेंगे तो हमें एक मारुति की एक पक्की गाड़ी दिखेगी, बिकॉज इंडिया में मारुति का ट्रस्ट उतना ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि मारुति के प्रोडक्ट बहुत रिलायबल होते हैं, उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, उनकी एवरेज बहुत अच्छी होती है, इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, सो बेसिकली एक अफोर्डेबल कार है फॉर एनी इंडियन हाउस होल्ड। तो इस तरीके से वो एक इमेज आपके लिए कंपनी की मार्केट लीडर बना दिया आपको। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वीकनेस ऑफ योर कंपनी, क्या क्या वीकनेसेस हो सकते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज़, हो सकता है आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ना हो, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐसी जगह हो जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ना आती हो, जहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ आना नहीं चाहते हैं। मतलब आज अगर मैं किसी एम्प्लॉय को बोलूँगा कि अगर आपको मुंबई आके काम करना है तो मे बी वो हैप्पीली आ जाए, बेंगलोर आ जाए, चेन्नई आ जाए, पुणे आ जाए, कोलकाता आ जाए, दिल्ली आ जाए, बट अगर मैं उनको एकदम रिमोट एरिया बोलूँगा जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना तो क्या वो वहाँ पे आना पसंद करेंगे? मे बी नॉट, अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो कोई एम्प्लॉय वहाँ पे क्यों आएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, फाइनेंशियल्स रिसोर्सेज, अगेन जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आपकी कंपनी के पास इक्विटी ज़्यादा है या डेट ज़्यादा है। अगर ऑब्वियसली इक्विटी का पैसा ज़्यादा है तो आपकी स्ट्रेंथ है, बट अगर डेट का पैसा ज़्यादा है तो वो आपके लिए एक वीकनेस बन चुकी है, बिकॉज एक लायबिलिटी आपके ऊपर कि हर महीने आपको EMI चुकानी है। नेक्स्ट आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और आप उस मैनेजमेंट को किस तरीके से रखते हो। जैसे कि हमने टाटा मोटर्स में देखा, पिछले 4-5 साल में टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। रीज़न क्या है? उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पहले अगर इससे पहले हम देखें तो उनका मैनेजमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता था और मैनेजमेंट के डिसीजंस मतलब सबके साथ में सहमति नहीं होती थी, सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आ पाते थे, उस वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा राइट्स होते लगते थे और एक पॉइंट पे या एक डिसीजन पे वो लोग रह नहीं पाते थे बहुत टाइम तक। इस वजह से कंटिन्यूसली मैनेजमेंट चेंज होता था और एक कंपनी एक फ्यूचर मतलब एक गोल या एक ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ ही नहीं पाती थी, उनका ऑब्जेक्टिव बार बार चेंज हो जाता था बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, जैसे कि अभी हम रिसेंटली अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो हम बहुत सारी ऐसी पुरानी पुरानी एड्स देखते हैं जो कि आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है, उसमें ह्यूमर होता है, उसमें कंटेंट होता है, उसमें नॉलेज होता है, लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं वो चीज़ें। बट आज कुछ ऐसी कंपनीज ऐसी एडवर्टीजमेंट करती हैं या ऐसी मार्केटिंग करती हैं जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो जाती है, वो कंटिन्यूसली एक ही एक ऐड बार बार चलाते जाते हैं जिससे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी IPL के टाइम पे एक क्रेड बाउंटी वाली ऐड आई थी तो उससे समझ में नहीं आता था कि वो क्या अप्रोच करना चाहते हैं, लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं क्रेड लो क्या, या सारे गांव अपा को एडवर्टीज़ कर रहे थे तो वो चीज़ हम समझ ही नहीं पाते थे उनके ऐड से, तो दैट वाज योर वीकनेस। लास्टली अब उनकी कंपनी की ब्रांड इमेज कैसी है, वो किस तरीके से अपने गुडविल को मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थ्रेट आपकी कंपनी के लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो कि आपकी कंपनी को थ्रेट पहुँचा सकते हैं। फर्स्ट स्लो मार्केट ग्रोथ, हो सकता है कि जैसे अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो ये आपके लिए ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हर एक सेक्टर मार्केट ग्रो नहीं कर सकता। जो कोविड का एरा गया अभी, उस कोविड एरा में हर कंपनी ग्रो नहीं कर सकती थी उस टाइम,
पे। ऑब्वियसली मोस्टली सेक्टर्स उस टाइम डिक्लाइन में ही गए, कुछ एफएमसीजी थे या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर था जिसने ग्रो किया था, बट मोर और लेस बाकी सारे जो सेक्टर्स थे वो लोग लॉस में ही थे। नेक्स्ट एमएनसी एस कॉम्पिटिशन, हो सकता है आज मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ, एक नॉर्मल कंपनी चलाता हूँ मैं भोपाल में जिसका बहुत ज़्यादा आउटरीच नहीं है, बट ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि भोपाल में अभी कोई एमएनसी भी नहीं है जो कि मेरे को कॉम्पिटिशन देता हो। जैसे मान लीजिए मेरा कोई पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी है मेरी खुद की, ठीक है, मेरी खुद का एक कैफे है जिसमें मैं पिज़्ज़ा बेचता हूँ, बट अगर मेरे भोपाल में कोई एक बड़ी कंपनी आ जाए जैसे डोमिनोज आ जाए, जैसे पिज़्ज़ा हट आ जाए, द पिज़्ज़ेरिया आ जाए, ऐसे अगर बड़े बड़े ब्रांड्स अगर भोपाल में आ जाएंगे तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा उस छोटे से ब्रांड के ऊपर। और अगर उनके ऑफिस उनका टेस्ट अच्छा हुआ, उनकी प्राइस वैसे रही, तो लोग स्विच करना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग ट्राई करेंगे कि डोमिनोज आया है मेरे सिटी में, मेरे को डोमिनोज ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर, जैसे आप अगर कोई दवाई खरीदने जाते हो तो आप उस दवाई खरीदते वक्त उतना ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हो, लेकिन अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा बार्गेन कर लेते हो अगर आप लोकल मार्केट में गए हो। बट अगर आप वही कपड़ा अगर आप किसी शोरूम पर जाओगे, आप टॉमी पर गए अगर कोई कपड़ा खरीदते हो, आप वहाँ पर जाकर आप बार्गेन नहीं करोगे। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की बार्गेनिंग कैपेसिटी कितनी है, चाहे वो सप्लायर के साथ हो चाहे वो बायर के साथ हो। लास्टली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि अभी हम 5G की बात कर रहे थे, BSNL के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था, बिकॉज जब उन्होंने उनके पास ऑब्वियसली 2G था 3G था, बट जब 4G आया तो वो 4G से उन्होंने लॉन्च नहीं करी बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल इन्फीरियरिटी। तो उनको ऑब्वियसली आज जो BSNL कितने ही लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही कम। वोडा आइडिया क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इन्फीरियरिटी, कि वो हर जगह पे उनका नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से उनको जो कंपटीशन था वो बहुत बड़ा उनके लिए थ्रेट बन गया था। लास्टली कमिंग ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज़, कि आपकी कंपनी आगे जाके आउटलुक कर रही है, ग्रो करना चाह रही है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो किस तरीके से ग्रो कर सकती है। फर्स्ट, न्यू मार्केट सेगमेंट, आप अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, तो हो सकता है कि आप इंडिया में ही अपनी एक सेमीकंडक्टर्स की आउटपुट जनरेट करना चाहोगे, सेमीकंडक्टर्स की यूनिट डेवलप करना चाहोगे, जिससे कि आप बेसिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो चीज़, क्योंकि आप एक नए डायरेक्शन में अपनी कंपनी को लेकर जा रहे हो और वो कंपनी वो पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जो कि ग्रो करने वाला है। जैसे कि हम EV सेक्टर की बात करते हैं, हमने टाटा मोटर्स को देखा है कि वो EV में किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बट अभी तक हमने मारुति सुजुकी को देखा नहीं कि वो EV गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में वो लॉन्च करें, बट टिल नाउ दे हैव नॉट। नेक्स्ट, टेक्निकल चेंजेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं BSNL के साथ जो हुआ था, एंड लास्टली इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, आपके सेक्टर के साथ में कैसे रिलेशंस हैं, आपके अपने पीयर्स के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं, अगर आप उन रिलेशंस को एक बेहतर बना पाओगे, अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाओगे, सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर कंपनी टू ग्रो। जब तक आपके रिलेशंस अपने पीयर्स के साथ में अच्छे नहीं है, तब तक ऑब्वियसली आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।